be happy, happy. Oh, Jack, go be happy, happy. Choco chips say loaded. Parle happy, happy cookies. पहली गेंद पर ही चहल कदमी और बड़ा आपके बगल से निकल जाएगी। पहली गेंद पर आया पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका। और ऐसी शुरुआत किसको नहीं चाहिए अगर आप सवाल करें कि मैं पहली गेंद खेलने जाऊं। लेकिन गेंद गलत क्षेत्र में है और गेंद गलत क्षेत्र में डालेंगे तो फिर प्रदीप उसे पहुंचाएंगे उसे बाउंड्री लाइन के पार। पार्ले हैप्पी हैप्पी सिक्स। इसी शॉट की तो दरकार थी उनसे, एक शॉट का इंतजार कर रहे थे जिससे वो पैगाम भेज दें कि मैं फॉर्म में आ गया हूं। खराब गेंद सना जयसूर्या का याद दिलाया, आप तो देख सकते हैं 8-2-3 रीप्ले। फुल टॉस गेंद, लेग स्टंप और क्या चाहिए। डीप स्क्वायर लेग का फाइन लेग का जो एरिया है देखते रहिए, उठाकर लाइए। खूबसूरत ये स्ट्रोक, दबाव को कम किया, रन नहीं आ रहे थे, बाउंड्री नहीं आ रहा था। नेगोशिएट तो करना चाहेंगे, ये लीजिए तलवार के तरीके, म्यान से जो तलवार को निकलती है ना चमचमाती वाली, उसको देख कर खौफ हो जाता है। और ये वो शॉट था, ये देखिए मोहतरमा भी खुश और क्यों नहीं, 3 समाप्त 32 बिना किसी नुकसान। 8-3 रीप्ले में हम देख सकते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वहां मौजूद है, दोनों नहीं पकड़ पाए उसको, इतना तेज और इतनी सीधा। परीक्षा ली जाएगी क्योंकि वो लेंथ सही है। जी हाँ, अच्छी कैच भी, शानदार कैच अर्जुन, उनके अच्छे कैचेस में से एक और उस फहरिस्त में, इसीलिए तो वो महान फील्डर माने जाते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रीजन में। ऑफ ब्रेक गेंदबाज, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, पिच तक नहीं पहुंचे थे, सिर हवा में चला गया, ताकत झुकने का प्रयास भी था लेकिन एलिवेशन मिला नहीं। इस बार सीधा प्रहार, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे अर्जुन, आशंका रहती है। उठा दिया है गेंद को, यहां 4 तक भी पहुंच जाएगी पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका। निशाना कहीं और जरूर था, आखिरी क्षण में उन्होंने लेग साइड को ही चुन लिया। तीनों गेंदें अतरंगी तरीके की, अलग अलग मुख्तलिफ गेंदें डाली हैं। ये गेंद फिर से आगे और ये शॉट का मजा ले लीजिए, पीछे फील्डर है जरूर लेकिन ये भी सलाम करते हुए चले जाएंगे। एक और बाउंड्री, ये गंदी गेंद थी, फाइन लेग अंदर था और पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री बटोर लेंगे। निरुप काफी भटक गए थे दिशा में। The love that people are showing across the country. Today I'm here to represent my team, Karnataka Bulldozers, and they're playing really great. I think there is something happening on the ground, is it? Since I was a kid, my dad and I watched a lot of cricket, so yeah. Well, I think that's a wicket, so we must go and see that. Maza lijiye shot ka, extra. ओहो, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव कह सकते हैं आप इसको, अलोंग द सरफेस बिल्कुल धरती के सहारे चिपकता हुआ गया। लेकिन गेंद जमाई तो उसपे इतना करारा प्रहार किया, एक और बाउंड्री आती हुई, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट कह सकते हैं इसे आप। गेंद की पिच तक आया, उसके बाद ड्राइव किया, भरपूर ताकत थी, कोई मौका किसी फील्डर के लिए था। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ ये एक और पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री, बगल में है नहीं, फिर से इस बार सीधे बल्ले से, ओह मजा लीजिए, फिर से एक और एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, सीधा बाउंड्री के बाहर, 4 रन, कोई मौका नहीं। चॉको चिप्स से लोडेड पार्ले हैप्पी हैप्पी कुकीज। ऑब्स्टंप के बाहर से फिर भी गेंद पे किया, मौका लॉन्ग ऑफ की तरफ चिटक गया और ये आप करेंगे और ये 4 भी हो गए तो ये करेला ऊपर से नेम चला। इस बार राजीव नहीं, इस बार नहीं रुकेगी, इस बार तो पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका आया है। अंतिम गेंद, ओवर पिच गेंद इस बार, लेकिन लास्ट लाफ वो कहते हैं कि अंतिम हंसी उनके चेहरे पे गई। आगे निकल कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद से और दूर हो गए वो, बजाय गेंद के नजदीक जाने का। और देखिए गेंद ऑफ स्टंप पे थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, कहीं भी गेंद के आसपास नहीं थे। बैकअप पे जाके ट्राई किया, गेंद जब तक फील्ड की जाए, दूसरा भी तेजी से पूरा करना चाहते थे। क्या ये रन आउट हो गए, क्या ये दूर रह गए, देखना होगा। जो शारीरिक भाषा है राजीव की वो तो कहते हैं वापसी करा दी, और जो डगआउट है कर्नाटक का वहां भी लोगों के सर पे हाथ है। 8-3 रिप्ले, बिल्कुल फ्रेम में ही नहीं है ये तो, मिस क्यों हो गया।
और ये सोच गलत हो गई दूसरे रन की और ये आसानी से रन आउट होना चाहिए। आते ही बड़ा शॉट खेला है और छक्के के साथ पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का अपना खाता खोला है। अगेंस्ट द स्पिन अगर वो शॉट लगाते हैं लेकिन इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया और सीधा खेला भी कितना दूर गया है ये। जी हाँ बहुत दूर गया है। पार्ले हैप्पी हैप्पी छक्का दूसरी गेंद पर और 115 पर पहुंचा है स्कोर। हाई एंड हैंड्स अप देखते रहिए मन में क्योंकि खड़े खड़े तो ये इतनी गति देते नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे को सुन लिया और उनको परिणाम भी वही मिला क्योंकि ये गति बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। अच्छी बाउंड्री आती हुई 8-3 रीप्ले देखिए बिल्कुल गति नहीं था। कदमों का इस्तेमाल किया था और ब्रेन बहुत अच्छा चला। जहन में मालूम था कि ये शॉट उनको जाकर बनाना है। वन बाउंस ये नृत्य देख लीजिए डांस देख लीजिए आहा मज़ा आ गया। ऑफ स्टंप के बाहर क्या ये वाइड गेंद होगा। वाइड तो मिला लेकिन साथ में विकेट भी गया। मणिकुथन गेंदबाज लीजिए अब आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर को अच्छा बना दिया और ये आया पार्ले हैप्पी हैप्पी चौका। दो ओवर समाप्त 19 बिना किसी नुकसान के और इस गेंद 64 रन। शॉट्स बॉलर के सिर के ऊपर से टाइमिंग कितना बेहतर है ये देखना पड़ेगा। कैच उसके पीछे हो सकता था फील्डर जरूर थे हाथ भी आए थे लेकिन मौका हाथ आया मुंह नहीं लगा और साथ में ये पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री भी देकर गया। एक और बाउंड्री बैक टू बैक बाउंड्री और फिर से फील्डर वही इस बार कैच नहीं था लेकिन इस बार बाउंड्री आई है। एक और पार्ले हैप्पी हैप्पी बाउंड्री इस ओवर में तीसरी बाउंड्री। इस बार जहां खेलना चाहते थे वहां खेला। 250 से ज्यादा चौके लग चुके हैं 252 भी बाउंड्री थी ये। 5 चौके इस पारी में लग गए। बाउंड्री के बाहर 4 रन इस बार कवर्स के ऊपर से गए हैं। पीछे कोई बैकअप मौजूद नहीं है। एक और चौका आता हुआ आगे की तरफ स्लॉग स्वीप इस बार दूर और दूर 6 रन ओवर डीप स्क्वायर लेग। आसान सा मौका था लेकिन फिर से मिस भी कर दिया। एक और बाउंड्री जिस अंदाज में कर्नाटक का बुलडोजर्स के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं थे। बॉल डिलीवर करने के बाद अपेश वाइड मिड ऑन के ऊपर से बहुत दूर दर्शक दीर्घा में 6 रन सबसे लंबा छक्का। ओह मार दिया बैक ऑफ लेंथ गेंद था अच्छा पिक किया था उतना शॉट गेंद ये था नहीं लेकिन जिस प्रवाह में बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट का रीच देखिए कितना अच्छा बहुत दूर जाकर एक इंटरवल हुई। आंखें देखकर डर जाएगा बल्लेबाज। लीजिए इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ और एक और बाउंड्री एक बार करीब से देखेंगे आगे की तरफ एक गेंद एक्स्ट्रा कवर ड्राइव कोई मौका नहीं। वन बाउंस ओवर द फेंस और ये झूमते हुए दृश्य आप कुछ ना भी आके दिखा लीजिए। ये लीजिए एक बार फिर से अपेश क्या ये मौका बन सकता है। लॉन्ग ऑफ से थोड़ा सा बाहर लेकिन 6 रन हाथ से छिटक गया मौका एक और लीजिए। पहली पारी में 2 विकेट लिए थे इस बार भी आते ही पहली पारी विकेट लिया है और जयराम को वापस भेजा लेकिन जब तक ये विकेट थी काफ़ी देर हो चुकी है और आप देखें काफ़ी धीमी गेंद थी। शॉट पहले खेल गए गेंद बाद में आई और यही वजह रही कि उस गेंद ने कर दी इनकी विदाई। से बहुत अच्छे से मालूम चला अतरंगी तरीके का मौका मौका क्या भुला लिया और अंपायर की उंगली खड़ी कहाँ थे ये और इनको कहाँ छुपा के रखा हुआ था। लग रहा है कप्तान से थोड़ी सी गलती होगी इनको पहले लाना चाहिए था इम्प्रोवाइज करना चाह रहे थे एक्स्ट्रा बाउंस हुआ और बल्ले का किनारा लगा विकेट कीपर का काम देखिए कितना बेहतरीन। लीजिए एक गेंदबाज पूरी मेहनत कर रहे हैं और एक है कि मिसफील्ड से मनोरंजन करती हुई टॉस कर लिया और ये हो गया विनिंग शॉट 4 रन। ये हैप्पी हैप्पी बाउंड्री आई है चॉको चिप्स से लोडेड पार्ले हैप्पी हैप्पी कुकीज़।